छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने आज जांजगीर में कांग्रेस द्वारा आयोजित भरोसे का सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी जांजगीर चांपा जिले में भरोसे का सम्मेलन करने जा रहे हैं। यह वास्तव में भरोसे का नहीं बल्कि धोखे का सम्मेलन है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आगे कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का नेताओं और विधायकों से, विधायकों का मंत्रियों से, मंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से एवं जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ चुका है, इसलिए कांग्रेस को बार बार भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। आज जांजगीर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है और वहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन रखा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है और इस प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान ने इसे कहा है कि भरोसे का सम्मेलन करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब भूपेश की सरकार से उठ चुका है। आज जांजगीर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है और वहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन रखा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है और इस प्रदेश की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान ने इसे कहा है कि भरोसे का सम्मेलन करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब भूपेश की सरकार से उठ चुका है।